जय हिंद। नमस्कार साथियों, दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों मैंने इससे पहले 2 से 3 वीडियो TA भर्ती के डाले थे, और जब से मेरे पास TA की जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके काफ़ी फ़ोन आए कि सर TA भर्ती बंद हो गई क्या, TA भर्ती कब तक आएगी, TA भर्ती 7 साल की हो गई क्या, TA भर्ती में एज का जो क्राइटेरिया वो 24 साल का हो गया क्या। तो ऐसे काफ़ी कमेंट्स भी आए, कॉल भी आए, मैसेज भी आए। और सर हमारे साथ है कौशलेंद्र सर गुज्जर, जो इनका नाम भी एकेडमी का नाम भी कौशलेंद्र डिफेंस एकेडमी है, और TA के बारे में हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। और काफ़ी बच्चे इनके TA की भर्ती TA से जुड़े हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे सर को। तो आज हम सर से जानते हैं कि TA भर्ती के बारे में क्या इनके पास अपडेट है, और बच्चों को क्या मतलब बताना चाह रहे हैं कि TA भर्ती आएगी या नहीं आएगी। जय हिंद सर। जय हिंद। कैसे सर आप? बढ़िया बढ़िया। जय हिंद साथियों। देखो साथियों, जैसा कि सर ने पिछले जो वीडियो डाले थे TA के ऊपर, मैंने भी वो वीडियो देखे थे, काफ़ी सही इन्फॉर्मेशन थी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और सर से जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं TA भर्ती को लेके, जैसे सर ने मुझे बताया कि ये मैसेज के क्वेश्चन मेरे पास आए हैं और ये करके फ़ोन आए हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके पास सर आया था, आपने बताया था कि TA की भर्ती आखिर कब आएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था बच्चों का आपके माध्यम से कि क्या TA की भर्ती बंद हो गई है क्या, ये दो क्वेश्चन आपके पास थे। अच्छा, एज का, ठीक है ना, कि एज में कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था कि क्या TA की भर्ती बंद कर दी गई है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि TA की भर्ती बंद नहीं हुई है, बिल्कुल 100% सच न्यूज है ये, ठीक है सर, जो कंफर्म न्यूज है कि TA की भर्ती बंद नहीं हुई है। दूसरी बात सर कि TA की भर्ती आखिर कब आएगी, तो इसके लेकर अभी भी संशय बना हुआ है सर, कोई भी कन्फर्म फाइनल न्यूज ऐसी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, जो TA में ड्यूटी कर रहे हैं उनके पास भी कोई अपडेट नहीं है, जो क्लर्क की पोस्ट पे हैं उनको भी नहीं पता कि TA की भर्ती आखिर कब आएगी। ऊपर से ही भर्ती का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। 2019 में भर्ती हुई TA की लास्ट टाइम, 2019 में बच्चे इंतजार कर रहे, काफी बच्चे तैयारी कर रहे, क्योंकि आर्मी के अंदर पहले क्राइटेरिया 23 साल तक रहता, अब अग्निवारा गए तो 21 साल तक है। अब वो बच्चे बहुत सारे था कि चलो TA में 42 साल तक एज का क्राइटेरिया रहता है, तो हम इसमें नहीं तो इसमें हमारा हो जाएगा, तो जैसे वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो सर, उससे पहले आपका एक क्वेश्चन था कि क्या एज में कोई बदलाव किया गया, वो बात कर लेते हैं कि 25 साल के जो एज का जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, कहीं भी ऑफिशियली अपडेट ऐसा कुछ भी नहीं आया है, तो ये भी गलत न्यूज़ है। जो एज अभी 18 से 42 है वही अभी है। अब जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए, देखो सर दो ऑप्शन लेकर तो चलना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने साल से 18 से 23 साल तक तैयारी आपने की, नहीं हुआ आपका सिलेक्शन, तब जाके आप TA के लिए उतरे हो, TA के लिए तैयारी के लिए, तो देखो ऑलरेडी आप 5 साल अपने गवा चुके हो 18 से 23। अब आप क्यों आगे का टाइम बर्बाद करना चाहते हो, भाई पेट तो भरना है ना, जॉब करनी पड़ेगी, घर चलाना है, सपने। सारे बच्चे जो बोलते हैं हमको जाना नौकरी मतलब वर्दी वाली करना है, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहो। देखो भाई, ये एक चीज बहुत अच्छी है कि हम एक चीज के ऊपर फोकस है, लेकिन जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसकी हम मेहनत कर रहे हैं सर, हम उससे ओवर एज ही हो गए हैं, क्राइटेरिया खत्म हो गया, तो ऑप्शन तो लेना पड़ेगा ना साथ में आपको। अब फिर भी आप, अब आप उसके एलिजिबल ही नहीं हो, अब भर्ती नहीं आ रही, तो अब क्या कैसे भर्ती हासिल कर लोगे, ठीक है, 2-1 साल बाद आप फिर कुछ भी मतलब उदास होकर बैठ जाओगे फिर। तो आप कोई भी, जैसे दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आती है, स्टेट पुलिस में वैकेंसी आती है, हाँ उसमें इसमें क्राइटेरिया ज्यादा होता है, 28 साल 33 साल, स्पोर्ट्स कोटे से तैयारी कर सकते हो, TA वाले रेसर अच्छे रहते हैं, उनकी रेस अच्छी रहती है, तो आप स्पोर्ट्स की तैयारी भी कर सकते हो, तो साथ में एक ऑप्शन बैकअप लेके चलना चाहिए। आप कंप्यूटर के कोर्स कर सकते हो, ITI कर सकते हो, तो देखो अगर अच्छे से सीख के करोगे तो बहुत सारे जॉब हैं आपके लिए, ठीक है, ITI अगर आप अच्छे से कर ली तो बहुत सारी जॉब है, कंप्यूटर का कोर्स अच्छे से कर लिया बहुत सारी जॉब है, मेरा खुद का भाई कंप्यूटर का कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो TA के लिए अभी यही अपडेट है कि भाई हाँ, अक्टूबर नवंबर में भर्ती आने के चांसेस हैं, हाँ उन्होंने जैसे जहाँ से अपन सूचना लेते हैं उन्हें ये बोला कि अक्टूबर नवंबर के लगभग भर्ती आपकी आ सकती है। दोस्तों ये सर के पास अभी अपडेट है कि बता रहे कि अक्टूबर नवंबर में भर्ती आने की है, लेकिन कंफर्म आपको हम ये नहीं बोल रहे हैं कि TA भर्ती आएगी, कि TA भर्ती बंद हो गई है। अभी इसका ऑफिशियली वेबसाइट पे कुछ भी नहीं आया, कोई अपडेट नहीं है, किसी के पास भी अपडेट नहीं है। यूट्यूब पे आपके गुमराह करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि TA भर्ती आ रही है, आप तैयारी करो, TA भर्ती बंद हो गई है। तो दोस्तों हमारे पास तो ये अपडेट है कि TA के बारे में 2019 के बाद से कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको तैयारी करना या नहीं। और है कि जो लोग बोल रहे हैं कि TA की भर्ती बंद कर दी गई है, तो केवल 2019 के बाद केवल कांस्टेबल जो GD सोल्जर्स होते हैं उनकी भर्ती नहीं आई,
ऑफिसर की भर्ती हर साल रेगुलर आ रही है। क्लर्क की भी एक दो पोस्ट आई थी और ऑफिसर की रेगुलर भर्ती आती रही है, आ रही है, अभी कुछ टाइम पहले ही आई थी। तो अपन ये नहीं बोल सकते भर्ती बंद हो गई। अगर अगर बंद कर दी तो ऑफिसर की भर्ती क्यों हो रही है? क्योंकि अभी अभी अग्निवीर स्टार्ट हुई है, 6 महीने पहले भर्ती आई है, तो शायद टीए भर्ती भी कुछ टाइम बाद आ जाए। तो दोस्तों आप इतना भी निराश ना हो कि टीए भर्ती बंद हो गई है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि आप साथ में किसी और चीज की तैयारी करें। आपको टीए की करना है तो आप साथ में करें, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में आप ऑप्शन लेकर चले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा।